हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जो लोग भी UPPCS 2016 मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, उनको परिणाम का इंतज़ार करते करते एक अरसा बीतता जा रहा है और ये एग्ज़ाम्स अपनी दोहरा सालगिरह मना चुका है। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2016 में और ये 18 चल रहा है। बार बार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा एग्ज़ाम की तिथि घोषित की जाती है, लेकिन समय से एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्षुब्ध होकर कुछ छात्रों ने, असंतुष्ट होकर आज जो है प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के ऊपर धरना दिया गया, जिसमें जो है फिर से एक नई डेट दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, जो आयोग एग्ज़ाम करवा रहा है, चाहे वो RO मेंस हो जाए, RO मेंस की डेट दिया हुआ है। इसी के साथ ही जो है UPPCS 16 मुख्य परीक्षा भी हो गई, 17 मेंस भी हो गया है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है फाइनल अभी कोई नहीं दे रहा है। धनाधन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं बस। तो अब जो है आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है लोक सेवा आयोग पे, उसमें क्या कहा गया, आइए आज इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज सचिव जगदीश जी ने आज जो है क्या कहा कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। और जो लोग RO ARO 17 के प्री एग्ज़ाम दे करके आंसर की वेट कर रहे हैं, साथ ही मेंस एग्ज़ाम जो दिया गया है, क्या समय से मेंस हो पाएगा या नहीं, क्या कहा सचिव ने आज, आइए देखते हैं पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, ये एक धरना हुआ था आज 24 सितंबर को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में। तो वो ये जो है उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन लोक सेवा आयोग में हुआ कुछ बैलेट लेकर के। तो लोक सेवा आयोग के सचिव जी ने जो है प्रतिनिधि मंडल बुला करके एक वार्ता किया और वार्ता में ये बात निकल कर सामने आई। तो आयोग ने एक बार फिर से एक नई डेट दे दी है कि अब एग्ज़ाम जो है का रिजल्ट, PCS जो मेंस हुआ है 2016 में हुआ था, तो उसका रिजल्ट अब जो है 20 अक्टूबर तक दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो RO ARO का प्री हुआ है 17 वाला, उसका भी जो है उसका आंसर की जो है 20 अक्टूबर से पहले उसका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। दोस्तों, अगर आप जो है RO ARO का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और आप जो है श्योर हैं कि आपका हो जाएगा, तो अभी से लग जाइए, क्योंकि आयोग एग्ज़ाम जो है समय से करवा ले रहा है, वो भी एकदम अनिश्चितता के माहौल में, जब सारे प्रतियोगी सोचते रहते हैं कि शायद जो है एग्ज़ाम ना हो पाए, क्योंकि अभी तक ना तो आंसर की आई है ना तो रिज़ल्ट आया है। तो इस भुलावे में ना रहिए, क्योंकि आयोग जो है 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आपको देकर एग्ज़ाम देने के लिए बोल सकता है। तो अगर आप लोगों ने RO ARO एग्ज़ाम दिया है 2017, तो आप जो है मेंस की तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसकी आंसर की जो है। तो आज का वार्ता का क्या क्या पूरा प्रतिफल निकला आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बातचीत में आयोग का परिणाम, आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो है PCS के जो 16 है उसके एक और तारीख फिर से एक डेट दी गई है। इतना तो कोर्ट में भी डेट नहीं लगती जितना लोक सेवा आयोग डेट लगा रहा है। तो फिर से एक डेट दे दी गई है कि जो है 15 अक्टूबर तक जो है मेंस का रिजल्ट दे दिया जाएगा 2016 का। अभी 17 की बात करें तो 17 की बात करें तो 17 अभी भी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, पेपर कापियां जा कर के रखी हुई हैं। और जो लोग RO ARO 2017 के परिणाम का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है और इसका आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। और साथ ही साथ इसके जो प्री के रिजल्ट हैं वो 20 अक्टूबर तक RO ARO का आ जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग भी RO ARO मेंस देने जा रहे हैं, वो अपनी अच्छी तैयारी को एकदम कंसंट्रेट करके तैयारी करिए। और जो है अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो अभी से एकदम लग जाइए और ये ना सोचिए कि डेट नहीं आई है। आयोग जो है लास्ट में भी डेट दे देगा, आप 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड दे सकता है। आप लोग ACF मेंस का उदाहरण देख चुके हैं, PCS 17 का उदाहरण देख चुके हैं। तो एग्ज़ाम तो कराए जा रहे हैं टाइम से, लेकिन जो है रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग RO ARO जो 25 नवंबर से प्रस्तावित है, आप उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, देखते हैं आयोग का क्या होता है। और दोस्तों, अगर अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे वो बहुत 28 अक्टूबर के लिए एक बहुत अच्छा प्लान आने वाला है, 28 अक्टूबर PCS प्री के लिए। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।